नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात है पालघर महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। केरोल उर्फ पिंकी मिसिकिटा और जीको मिसिकिटा एक दूसरे को न सिर्फ दिलो जान से प्यार करते थे बल्कि शादी भी करना चाहते थे। महाराष्ट्र में मुंबई से अहमदाबाद की ओर जाने वाले हाईवे पर एक शहर है पालघर। पालघर में एक इलाका है मनोर। इसी इलाके में 3 फरवरी 2022 की शाम के करीब 5:30 बजे वाघोबा के रहने वाले नामदेव ने हाईवे के करीब से गुजरने वाले नाले में दो बड़े पाइप के बीचों बीच एक इंसान के शव को फंसा देखा। वो शव बुरी तरह से सड़ चुका था, उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। नामदेव ने देर नहीं की और तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इसकी सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम से होते हुए बात पालघर पुलिस तक पहुंच गई, क्योंकि वो इलाका पालघर पुलिस के क्षेत्र में ही पड़ता है। अगले कुछ मिनटों में पालघर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विष्णु अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को नाले से बाहर निकालकर अपने कब्जे में लेने का काम उन्होंने शुरू किया। थाना प्रभारी विष्णु ने देखा कि शव पर चाकुओं से वार किए जाने के निशान थे। उसका चेहरा किसी भारी चीज से इस तरह कुचला गया था जिससे पहचानने में नहीं आ रहा था। वैसे भी चेहरे समेत जिस्म का एक बड़ा हिस्सा मछली और दूसरे जलीय जीव खा चुके थे, लेकिन कदकाठी व पहनावे से लग रहा था कि मरने वाली एक नौजवान युवती होगी। शव जिस तरह से सड़ चुका था उससे ये बात भी साफ थी कि ये शव पानी में पिछले कई दिनों से पड़ा रहा होगा, इसलिए वो सड़कर फूल चुका था। शव के बारे में जानकारी पाकर इलाके की SDPO नीता पाड़वी भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने क्राइम व फॉरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुला लिया। फॉरेंसिक टीमों ने घटना स्थल व शव की फोटो लेने के बाद आसपास छानबीन की, मगर मरने वाली युवती की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था। हाईवे से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को बुलाकर और नामदेव से भी मरने वाली महिला के शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया, मगर कोई सफलता नहीं मिली। पालघर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ ये पता करना शुरू कर दिया कि आखिर आसपास के इलाके से इस उम्र की कोई लड़की गायब तो नहीं है। लेकिन पालघर से ऐसी कोई लड़की हाल के दिनों में गायब नहीं हुई थी और ना ही जिले के किसी थाने में ऐसी कोई कंप्लेंट दर्ज हुई थी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पालघर पुलिस स्टेशन में उसी दिन धारा 302 में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच का दायित्व खुद थाना प्रभारी विष्णु भोई ने संभाला। हत्या के मामले की जानकारी मिलने पर पालघर SP दात्रे सिंधे और एडिशनल ACP प्रकाश गायकवाड़ ने भी पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा लिया। लड़की का शव जिस जगह पर मिला था वो इलाका नेशनल हाईवे का था, इसलिए इस बात की आशंका ज्यादा थी कि लड़की कहीं बाहर की रही होगी या उसके शव को वहां लाकर ठिकाने लगा दिया गया होगा। इसी आशंका को भांप कर SP दात्रे ने SDPO नीता पाड़वी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन कर दिया, जिसमें पालघर के थाना प्रभारी विष्णु, इंस्पेक्टर प्रदीप कस्बे, इंस्पेक्टर मनोर, सुधीर धायरकर के साथ दर्जन भर पुलिस कर्मियों की टीम को शामिल किया गया। पुलिस ने वक्त गवाए बिना पालघर से सटे मुंबई के अलग अलग थानों में इस शव का हवाला देते हुए गुमसुदगी की जानकारी लेनी शुरू कर दी। इसी कोशिश में एक दिन बाद पुलिस को कामयाबी भी मिल गई। पता चला कि शव मिलने से करीब 10 दिन पहले मुंबई के सांताक्रूज थाने में एक लड़की की गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। 28 साल की उस लड़की का नाम केरोल उर्फ पिंकी मिसिकिटा था, जो 24 जनवरी 2022 को अपने घर से गायब हो गई थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। सांताक्रूज पुलिस तत्काल केरोल उर्फ पिंकी मिसिकिटा के घर पहुंच गई। सांताक्रूज की एक चाल में रहने वाली केरोल के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ कैथरीन थी। पुलिस को वहां एक दो रिश्तेदार भी मिले। पुलिस टीम ने कैथरीन को पालघर पुलिस से मिली सूचना के बारे में बताया और उसे लेकर पालघर पहुंची, जहां उसे JJ अस्पताल की मॉर्चरी में रखे हुए शव को दिखाया गया, जो कि नाले से बरामद हुआ था। वो शव इतना सड़ चुका था कि परिवार वाले भी उसे पहचान नहीं सके, लेकिन कैथरीन की बूढ़ी आंखों से उस शव की कमर पर बने दिल और तितलियों के टैटू छिप नहीं सके। उसने झट से उसकी पहचान अपनी बेटी कैरोल के रूप में कर दी, क्योंकि एक माँ होने के कारण कैथरीन को ये बात इसलिए याद थी कि अपने एक दोस्त के कहने पर जब कैरोल ने 4 साल पहले ये टैटू अपनी कमर पर गुदवाया था
तो उसकी बेटी को 2-3 दिन तक काफी तकलीफ रही थी। शव की पहचान होते ही पालघर पुलिस को उम्मीद बंधी कि अब वो जल्द ही उसकी हत्या की गुत्थी को सुलझा लेगी। पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर केस में शव की पहचान होने से एक लीड मिल चुकी थी। पालघर पुलिस ने कैरोल की माँ कैथरीन से पूछताछ शुरू कर दी। कैथरीन ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का पिछले 5 सालों से मुंबई के ही 27 साल के एक लड़के जीको मिसिकिटा से अफेयर चल रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का कत्ल जीको ने ही किया है, क्योंकि दोनों में अफेयर होने के बावजूद उनका रिश्ता पिछले कुछ महीनों से अच्छा नहीं चल रहा था। कैथरीन ने पुलिस को बताया कि 24 जनवरी को कैरोल स्कूटी लेकर घर से निकली थी और उसने कहा था कि वो डॉक्टर को अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने जा रही है, लेकिन फिर इसके बाद वो वापस नहीं लौटी। कैथरीन ने बताया कि उसी रात करीब 8 बजे उसने फोन कर ये बताया था कि उसे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, वो अपने किसी दोस्त के साथ है, लेकिन कैरोल सुबह तक घर नहीं लौटी। कई बार उसका फोन मिलाकर बात करने की कोशिश की, मगर उसका फोन लगातार बंद आता रहा। तब थक हार कर वो सांताक्रूज थाने पहुंची और बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। सांताक्रूज की पुलिस उस दिन अपने थाने में निर्भया हेल्पलाइन के उद्घाटन में इतनी बिजी थी कि उसने कैथरीन की तहरीर तो ले ली, लेकिन गुमशुदगी दर्ज नहीं की और उसे बाद में आने को कहा। कैरोल के लापता होने की बात सुनकर आसपास में रहने वाले उनके रिश्तेदार भी घर आ गए। पास में ही रहने वाली कैरोल की दो हम उम्र कजिन सिस्टर सरिता और मेलोरीना भी वहां आ गई। कैरोल दिल की हर बात अपनी इन दोनों बहनों को बताती थी। उन्होंने भी कैथरीन को कुछ नहीं बताया। सभी को पता था कि कैरोल का जीको से प्रेम संबंध है, इसलिए एक आशंका ये भी हुई कि कहीं कैरोल जीको के साथ भाग तो नहीं गई। इसी आशंका के कारण कैथरीन ने अपने रिश्तेदारों के साथ कैरोल के कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हैरानी की बात ये थी कि कमरे में कैरोल के सारे कपड़े व सामान जस के तस रखे थे। इससे साफ था कि वो कहीं भागी नहीं है। लेकिन कमरे की तलाशी लेते हुए अचानक कैथरीन को एक डायरी में रखा 2 पन्ने का एक पत्र मिला, जो शायद 1-2 दिन पहले कैरोल ने जीको को लिखा था, मगर वो उसे शायद अभी दे नहीं पाई थी। पत्र पढ़ते ही कैथरीन तथा सभी रिश्तेदारों के सामने कई बातें साफ हो गई। परिवार समझ गया कि हो ना हो कैरोल के लापता होने की वजह जीको ही है। कैथरीन समझ गई कि पुलिस आसानी से बेटी की गुमशुदगी दर्ज नहीं करेगी, इसलिए वो अपने कुछ रिश्तेदारों व इलाके की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और एक एनजीओ की संचालिका अनिता सेठी को लेकर सांताक्रूज थाने पहुंच गई। अनिता सेठी ने थाने पहुंचने से पहले ही ऊंची पहुंच रखने वाले अपने जानकारों से उच्च अधिकारियों को फोन करवा दिया था, इसलिए कैथरीन की शिकायत के बाद सांताक्रूज थाने के सीनियर इंस्पेक्टर नागेश्वर गनोर ने कैरोल की गुमशुदगी दर्ज कर ली। जब कैथरीन ने शक जताया कि उन्हें अपनी बेटी के लापता होने में उसके प्रेमी जीको पर शक है, तो इंस्पेक्टर नागेश्वर ने उसका कारण पूछा। जवाब में कैथरीन ने वो पत्र उन्हें सौंप दिया जो कैरोल ने जीको को देने के लिए रखा था। इस पत्र में जीको की बेवफाई के बारे में लिखा था। लिहाजा इंस्पेक्टर नागेश्वर ने पुलिस की एक टीम को भेजकर विले पार्ले में रहने वाले जीको को पूछताछ के लिए बुला लिया, लेकिन जीको से पूछताछ में कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो सका, लिहाजा उसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया। लेकिन जब सांताक्रूज पुलिस को पालघर पुलिस से पता चला कि पालघर में एक लड़की का शव मिला है, तो सांताक्रूज पुलिस कैथरीन को लेकर जेजे अस्पताल पहुंची, जहां कैथरीन ने शव की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की। चूंकि पालघर पुलिस को पता चल चुका था कि सांताक्रूज पुलिस जीको से कब की पूछताछ कर उसे क्लीन चिट दे चुकी है, तब ऐसे में पालघर पुलिस ने जीको पर हाथ डालने से पहले अपने तौर पर थोड़ी और तफ्तीश करने का फैसला किया। इस मामले की जांच के लिए गठित की गई विशेष टीम ने सबसे पहले अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर मौका वारदात के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू की। दूसरी तरफ कैरोल के घर वालों से थोड़ी और पूछताछ करके कुछ नई जानकारी हासिल की गई और कैरोल का मोबाइल नंबर हासिल किया। कैरोल का शव पुलिस को जिस स्थान पर मिला था, वहां आसपास तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हो, लेकिन वहां से आधा किलोमीटर दूर कैरोल के घर जाने वाले रास्ते पर मार्केट एरिया शुरू होता है। पालघर पुलिस ने वहां मुख्य मार्ग पर लगे 1 किलोमीटर तक के सभी सीसीटीवी कैमरों की 24 व 25 जनवरी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस टीम की ये कोशिश रंग लाई, क्योंकि काफी मेहनत के बाद पुलिस को कुछ कैमरों से कुछ काम के सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे।
इत्तेफाक से उसमें कैरोल जीको के साथ वकाय वारदात की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। घर वालों को ये फुटेज दिखाई गई तो उन्होंने कैरोल के साथ फुटेज में स्कूटी पर साथ में दिख रहे जीको की पहचान कर दी। दिलचस्प बात यह थी कि सभी कैमरों की फुटेज में बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स लगातार स्कूटी के समीप चलता दिख रहा था, मानो वो उन दोनों को फॉलो कर रहा हो। सीसीटीवी की फुटेज मिलने के बाद पुलिस की तफ्तीश जीको पर आकर टिक गई, लेकिन उससे पूछताछ करने से पहले पुलिस थोड़ी और तस्दीक कर लेना चाहती थी। पुलिस ने कैरोल तथा जीको के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस का शक और भी ज्यादा पुख्ता हो गया, क्योंकि दोनों की उस दिन कई बार बात हुई थी और 24 जनवरी की शाम जिस दिन कैरोल अपने घर से लापता हुई उसके फोन की लोकेशन भी कैरोल के फोन की लोकेशन के साथ थी। इसी बीच कैरोल के घर वालों ने जीको के नाम अपनी बेटी के हाथों लिखा गया वो खत भी पुलिस को सौंप दिया, जिससे पूरी कहानी साफ हो रही थी। कैरोल के हाथों जीको के नाम लिखा वो खत पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू और एक एविडेंस बन गया, क्योंकि इससे पता चला कि कैरोल और जीको के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब पालघर थाने के जांच अधिकारी विष्णु भोई ने जीको को हिरासत में लेने का फैसला कर लिया। पुलिस टीम जीको को विले पार्ले से लेकर पालघर आ गई, उससे पूछताछ शुरू हो गई। जब उसे वारदात वाले दिन की पालघर के मार्केट एरिया की सीसीटीवी फुटेज व उसके फोन की कॉल डिटेल्स दिखाई गई तो थोड़ी आनाकानी करने के बाद वो निरुत्तर हो गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के सामने जीको ने जो कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने पुलिस को बताया कि वो कैरोल से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने उसकी हत्या का भयानक काम किया। विले पार्ली निवासी जीको मिस्किटा और कैरोल के बीच में 2017 से दोस्ती व प्रेम संबंध थे। कैरोल के पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली कैरोल की विधवा माँ की वो इकलौती औलाद थी। माँ ने अपनी बेटी को कड़ी मेहनत करके पाला और अच्छी तालीम दिलाई थी। पिछले कई सालों से कैरोल एक कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। 2017 में एक दोस्त के जरिए कैरोल की जान पहचान जीको से हुई थी। जल्द ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। चूंकि दोनों ही एक धर्म एक जाति के थे और हम उम्र भी, इसलिए दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। कुछ ही महीनों में कैरोल जीको से इतना प्यार करने लगी कि उसके बिना जीने की कल्पना से वो सिहर उठती थी। कैरोल ने अपनी माँ और चचेरी बहन सरिता से भी जीको को मिलवाकर अपने मन की बात बता दी थी कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों के बीच ये रिश्ते कब जिस्मानी रिश्तों में बदल गए पता ही नहीं चला। वक्त तेजी से गुजरता रहा। जीको पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन कोरोना महामारी के पहले दौर में जब लॉकडाउन लगा तो उसकी नौकरी चली गई, लिहाजा वो अपने पिता के कैटरिंग के कारोबार में उनका हाथ बटाने लगा। इधर कैरोल को जीको से प्रेम संबंधों में काफी वक्त गुजर चुका था, लिहाजा कैरोल ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो उससे शादी करे। जीको ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने कैरोल के साथ उसकी शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उसकी शादी एक अमीर परिवार में करना चाहते थे, जबकि कैरोल एक विधवा माँ की साधारण परिवार की बेटी थी। परिवार की तरफ से कैरोल के रिजेक्ट करने के बाद जीको ने भी कैरोल से दूरी बनाकर उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जिस रास्ते में जाना ही नहीं है तो उस पर आगे बढ़ने से क्या फायदा। इसी दौरान जीको की दोस्ती एक बड़े परिवार की लड़की से हो गई। जल्द ही दोनों गहरी मोहब्बत में डूब गए। इधर कैरोल को जीको के व्यवहार से लगने लगा कि शायद जीको उससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक दो बार जब भी कैरोल ने घुमा फिराकर जीको से शादी की बात करनी चाही तो उसने बात को ऐसे बदला कि शादी की बात आई गई हो गई। पिछले एक साल से इसी बात को लेकर कैरोल बेहद उदास रहने लगी थी। क्रिसमस के त्योहार पर हर बार कैरोल अपनी बहन सरिता के साथ बड़े उत्साह से खरीदारी करती थी और बाहर खाने के लिए जाती थी, लेकिन इस बार क्रिसमस आने को था। इसके बावजूद कैरोल में ना तो कोई उत्साह था और ना ही वो खुश दिख रही थी। उसने कुछ दिनों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। ऐसा लगता था कि वो किसी बात से दुखी है। इधर कैरोल के सामने धीरे धीरे ये बात भी साफ हो गई कि जीको इन दिनों किसी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद तो उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह उदासी भर गई, लेकिन कैरोल अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहती थी। लिहाजा उसने एक दिन जीको से साफ कह दिया कि अगर उसने उसके अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी की तो वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देगी कि उसने शादी के नाम पर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है।
ये दबाव जब कैरोल की तरफ से जीको पर लगातार बनने लगा तो वो परेशान हो उठा। उसे अब कैरोल अपने जी का जंजाल लगने लगी। दरअसल ना चाहते हुए भी जीको को दबाव में आकर कैरोल से मुलाकात करनी पड़ती थी। जब उसके पास जॉब थी तो वो कैरोल के ऊपर दिल खोलकर पैसा खर्च करता था, लेकिन इन दिनों बेरोजगार होने के कारण उसकी जेब खाली रहती थी और कैरोल फैशन परस्त तथा दिल खोलकर पैसा खर्च करने की आदि हो चुकी थी। वैसे भी अब जीको की जिंदगी में कैरोल का कोई महत्व नहीं रह गया था। ऐसे में मेल मुलाकात के दौरान जब कैरोल उससे महंगी फरमाइशें करती तो वो कूड़ कर रह जाता था। जीको ने कई बार कैरोल को अपनी बेरोजगारी की मजबूरी भी समझाई, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी इस आदत से जीको तंग आ चुका था, लिहाजा जीको ने कुछ दिन पहले कैरोल की हत्या करके उससे छुटकारा पाने का मन बना लिया। इसी के तहत जीको ने 24 जनवरी से एक दो दिन पहले कैरोल से फोन पर लगातार बातचीत करनी शुरू कर दी, ताकि उसे लगे कि जीको वापस उसके पास लौट आया है। कैरोल भी जीको के इरादों से अनजान ये सोचकर खुश थी कि चलो कैसे भी हो उसकी मोहब्बत उसे वापस तो मिल गई। अपनी इसी साजिश के तहत जीको ने एक दिन पहले कैरोल से सुबह से लेकर शाम तक करीब 5 बार बात की। उसने बातचीत में यही दर्शाया कि जैसे वो कैरोल को बहुत मिस कर रहा है। कैरोल से जीको ने कहा था कि वो अगले दिन यानी 24 जनवरी को उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता है। इस दौरान वे साथ में डिनर करेंगे और अपने आगे के भविष्य के बारे में बात करेंगे। कैरोल अपने टूटे रिश्ते को पटरी पर लौटते देख खुश थी, इसलिए उसने खुशी खुशी हामी भर दी थी। 24 जनवरी 2022 को कैरोल अपनी स्कूटी और लैपटॉप वाला बैग लेकर घर से निकली तो उसने अपनी माँ को यही बताया कि वो मलाड़ में अपने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने जा रही है, वहाँ से एक दोस्त के साथ घूमने जाएगी। कैरोल तय जगह पर जीको से मिली तो उसे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगी कि जीको का दोस्त देवेंद्र बुलेट से उनकी स्कूटी का पीछा कर रहा है। कैरोल देवेंद्र बाबू से परिचित थी क्योंकि वो विले पार्ले से पहले विरार में रहता था और जीको का सबसे करीबी दोस्त था। देवेंद्र बाबू जीको के पिता के कैटरिंग कारोबार में सहयोगी था। कैरोल ने 24 जनवरी को घर से निकलने के बाद दिन में 2 बार अपनी माँ को फोन किया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो किसके साथ है और कब लौटेगी। इस दौरान जीको ने उसे कई जगह घुमाया और फिर लॉन्ग ड्राइव के बहाने उसकी स्कूटी खुद ड्राइव करते हुए मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पालघर की तरफ ले गया। पूछने पर उसने बताया कि वो आज उसे एक खूबसूरत जगह ले जा रहा है जो उनके जीवन का सबसे यादगार पल होगा। इस दौरान रात होने लगी तो कैरोल ने अपनी माँ को फोन करके बता दिया कि वो अपने किसी दोस्त के साथ है, आने में उसे थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन जब रात ने काफी देर तक कैरोल घर नहीं पहुंची तो रात करीब 12:30 बजे कैथरीन ने उसके मोबाइल पर फोन किया, तब वो स्विच ऑफ मिला। इधर पालघर में वाघोबा के पास एक नाले के किनारे हाईवे पर खड़े होकर रात करीब 8 बजे जीको और कैरोल बातचीत करने लगे। इसी दौरान दोनों के बीच शादी को लेकर एक बार फिर बात होने लगी। जीको तो सोचकर आया ही था कि आज कैरोल का काम तमाम करना है, लिहाजा उसने सड़क किनारे सुनसान जगह पर कैरोल को दबोचकर उसका गला दबाना शुरू कर दिया। कैरोल छटपटाई, लेकिन जीको की मजबूत पकड़ से छूट ना सकी और थोड़ी देर में ही उसका शरीर शांत हो गया। चंद कदम की दूरी पर खड़ा उसका दोस्त देवेंद्र बाबू ये सब देख रहा था, वो भी पास आ गया। देवेंद्र अपने साथ कैटरिंग के काम में इस्तेमाल होने वाला चाकू लेकर आया था। उसे शक था कि कैरोल अभी मरी नहीं है, इसलिए उसने जेब से चाकू निकालकर कैरोल के शरीर पर कई प्रहार किए। कैरोल पर चाकू के प्रहार इतनी मजबूती से किए गए थे कि चाकू का हैंडल टूट गया। चाकू का निचला हिस्सा कैरोल के शरीर में ही रह गया, इसलिए खाली हैंडल को देवेंद्र ने वहीं जंगल में फेंक दिया और चाकू शव में ही छोड़ दिया। जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो उसने पास में ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कैरोल के चेहरे पर कई वार किए ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद दोनों ने मिलकर कैरोल के शव को उठाकर नाले में फेंक दिया। कैरोल की हत्या करने के बाद जीको व देवेंद्र ने उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसका मोबाइल लैपटॉप तथा स्कूटी लेकर देवेंद्र चला गया और देवेंद्र की बुलेट लेकर जीको अपने घर चला गया। जीको से पूछताछ के बाद पुलिस ने विरार से देवेंद्र बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके 10 फरवरी 2022 तक पुलिस रिमांड में ले लिया। रिमांड के दौरान कैरोल की स्कूटी और उसका लैपटॉप व फोन, हत्या में प्रयुक्त चाकू का हत्था भी बरामद कर लिया गया।
पालघर पुलिस ने ठोस रूप से कैरोल की पहचान को स्थापित करने के लिए उसकी मां कैथरीन का डीएनए नमूना भी लिया, जिससे आरोपी को अदालत में ये कहने का मौका ना मिले कि जिस शव को पुलिस कैरोल का बता रही है वो उसका नहीं है। इधर हत्याकांड का खुलासा होने के बाद जब सांताक्रूज पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई तो कैरोल के परिवार तथा सांताक्रूज इलाके में रहने वाले लोगों ने पुलिस की लापरवाही तथा जीको व उसके साथी को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए एक कैंडल मार्च भी निकाला था। सांताक्रूज पुलिस की लापरवाही से ये शव पूरे 10 दिनों तक नाले में पड़ी पड़ी सड़ती रही, लेकिन आखिरकार इस शव ने ही कातिल का पता दे दिया और कत्ल के साथ कातिल की सच्चाई भी सामने आ गई। पुलिस ने इस मामले में सबूत मिटाने की धारा 201 जोड़कर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।